आज मैं आपको RBL बैंक के क्रेडिट कार्ड का लिमिट कैसे बढ़ाया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। अगर आपके भी पास है RBL बैंक का क्रेडिट कार्ड और उस क्रेडिट कार्ड को 1 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है लेकिन तब भी आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट नहीं बढ़ रहा है, तो उस क्रेडिट कार्ड का लिमिट कैसे बढ़ाया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट कैसे बढ़ गया और आपको क्या करना चाहिए कि अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ सके। तो आइए जान लेते हैं कैसे RBL बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाया जाता है। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं cardpandit.com। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना जो लाइफ टाइम फ्री हो, लोन के लिए अप्लाई करना या फिर जीरो बैलेंस वाला सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो लिखे जाएगा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पर आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड जो लाइफ टाइम फ्री है वो देखने को मिल जाते हैं। जहां पर आपको डीमेट अकाउंट, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर जीरो बैलेंस वाला सेविंग अकाउंट भी देखने को मिल जाते हैं। और आपको कुछ भी डाउट होता है तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम भी ग्रुप भी है और यहाँ पे मेरा ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है, तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो वहां पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो जो आपको पसंद आता है, सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल, ऑफिशियल डिटेल फिल करनी है और अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको इमीडिएट पता चलेगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा या नहीं, लेकिन अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अप्लाई करते हैं तो आपको ज्यादा चांसेस होते हैं क्रेडिट कार्ड मिलने के। तो अप्लाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा क्रेडिट कार्ड का लिमिट क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपका क्रेडिट कार्ड रेगुलर यूज करना है, कहीं पर भी आप रेगुलर यूज करो और 50-60% के अभाव ही यूज करो, तभी आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट के बढ़ने की ज्यादा चांसेस होते हैं। और जो भी आप यूज करेंगे क्रेडिट कार्ड, उसका जो पेमेंट होगा वो टाइम टू टाइम करना है, आपको कोई भी पेमेंट मिस नहीं करना है, नहीं तो आपके सिबिल में वो शो हो जाता है और उस वजह से आपके सिबिल स्कोर कम हो जाता है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि आपकी क्रेडिट कार्ड यूज करना है रेगुलर और उसका बिल टाइम टू टाइम पेमेंट करना है। और अब हम जान लेते हैं कि किस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हो। सबसे पहले आपको कॉल करना है कस्टमर केयर को और उनको बोलना है कि मुझे इतना इतना समय हो चुका है और तब भी मेरा क्रेडिट कार्ड लिमिट नहीं बढ़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाना। तो अगर आप इलिजिबल होते हो तो कस्टमर केयर वाले आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा के दे सकते हैं। दूसरा तरीका है, आपको मेल करना है सपोर्ट टीम को और उनको बोलना है कि मुझे इतना इतना समय हो चुका है और मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट नहीं बढ़ रहा है, तो अगर आप इलिजिबल होते हो उस टाइम तो आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ जाएगा। तीसरा तरीका, आप बैंक में जाकर भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हो। उनको बोलना है कि मुझे इतना इतना समय हो चुका है और मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट नहीं बढ़ रहा है, तो मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाना चाहता हो। तो अगर आपके पास होगा ITR फाइल या फिर आपके पास होगा सैलरी स्लिप, तो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हो। जिस टाइम आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था उस टाइम अगर आपकी सैलरी कम होगी या फिर ITR फाइल कम होगी और अभी आपकी सैलरी स्लिप सैलरी बढ़ गई होगी या फिर ITR फाइल बढ़ गई होगी, तो आप वो सैलरी स्लिप या फिर ITR फाइल देकर आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हो। चौथा तरीका है, आप नेट बैंकिंग के जरिए भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको प्री अप्रूव होना चाहिए, प्री अप्रूव का मैसेज आना चाहिए, तभी आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हो, अन्यथा आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट नहीं बढ़ा सकते हो। और पांचवा तरीका है, आप अपने मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हो, यहाँ पर भी प्री अप्रूव का मैसेज आना जरूरी है, तभी आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हो, अन्यथा आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पे मुझे प्री अप्रूव का मैसेज आ चुका था, तो इसी वजह से मैं अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट यहाँ पे बढ़ा के दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं यूज करने वाला मोबाइल बैंकिंग, आप नेट बैंकिंग के जरिए भी इस क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हो, कस्टमर केयर मैसेज भेजकर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मोबाइल बैंकिंग के जरिए कैसे क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको RBL का एप्लीकेशन होता है उसको आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से RBL माई कार्ड एप्लीकेशन आता है, आपको यहाँ पे साइन अप करना है, लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहां पे आपके क्रेडिट कार्ड का नाम,
क्रेडिट कार्ड नंबर, यहाँ पे आपके आउटस्टैंडिंग अवेलेबल क्रेडिट कितना है। अभी जो मेरा लिमिट है वो 1,85,000 है, और यहाँ पे देख सकते हो लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप स्टेटमेंट भी देख सकते हो और उसमें पेमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आई है, यहाँ पे उस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो सर्विस अलर्ट का मैसेज आ चुका है। इवन यहाँ पे देख सकते हो गेट हायर क्रेडिट लिमिट एट नो कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट, यहाँ पे देख सकते हो टैप एंड इंक्रीज क्रेडिट लिमिट ऑन यूर RBL बैंक क्रेडिट कार्ड 2,59,000। जो अभी मेरा क्रेडिट लिमिट चल रहा है वो 1,80,000 समथिंग समथिंग है, और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इंक्रीज करूँगा तो मेरा लिमिट होगा वो 2,59,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैक जाऊंगा, बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज है नीचे की तरफ, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। आपको प्री अप्रूव का मैसेज, लोन चाहिए तो यहाँ पे उसको अनलॉक भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीज यूअर क्रेडिट लिमिट, तो यहाँ पे आपको इंक्रीज यूअर क्रेडिट लिमिट है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीज यूअर क्रेडिट लिमिट अप टू 2,59,000 है। यहाँ पे जो मेरा लिमिट है अभी 1,87,000 है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ड्रैग करूंगा आगे की तरफ तो यहाँ पे देख सकते हो 2,59,000 पे मैं आ चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि स्लाइड टू सिलेक्ट यूअर न्यू लिमिट दिस कम्स फ्री, यहाँ पे कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप जितना भी चाहिए उतना लिमिट इंक्रीज कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे 2,59,000 मुझे लिमिट मिला है, इसलिए पूरा मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ और नीचे की तरफ कंफर्म का बटन है उसके ऊपर क्लिक करूंगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यूअर क्रेडिट लिमिट हैज बीन इंक्रीज, यहाँ पे जो मेरा क्रेडिट लिमिट है वो इंक्रीज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ओके का बटन है उसके ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये मैसेज यहाँ से गायब हो चुका है, और अभी जो मेरा लिमिट होगा शायद इमीडिएट बढ़ गया होगा। यहाँ पे देख सकते हो अभी जो लिमिट मेरा है वो 2,57,000 है, मैंने कुछ यूज किया होगा इसी वजह से 2,57,000 शो हो रहा है, लेकिन मेरा जो लिमिट है वो 2,59,000 हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से ही RBL बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड का लिमिट इस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।